हेलो एवरीवन, आज से हम न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट होगी उन लोगों के लिए जो कि टीजीटी, पीजीटी या साइंस से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम इसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, जो इवोल्यूशन है उसका मैकेनिज्म क्या होता है, एंड यूजेनिक्स, और यूजेनिक्स क्या है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें कह रहा है जर्म प्लाज्म थ्योरी वॉज गिवन बाय वीजमैन। तो जो जर्म प्लाज्म थ्योरी थी वो किसने दी थी, वीजमैन ने दी थी। ठीक है, अकरेंस ऑफ होमोलोगस एंड वेस्टिजियल ऑर्गन आर इम्पोर्टेंट एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। तो जो होमोलोगस और वेस्टिजियल ऑर्गन है वो दोनों ही क्या है, इम्पोर्टेंट एविडेंस है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का। अब होमोलोगस ऑर्गन क्या होंगे, होमोलोगस ऑर्गन वो ऑर्गन होंगे जो डिफरेंट एनिमल में क्या होंगे, सिमिलर स्ट्रक्चर होंगे। होमो है मतलब क्या होगा, स्ट्रक्चर तो सेम होंगे बट इनके जो फंक्शन होंगे वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, और वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होंगे, वो ऑर्गन जिनका कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, बॉडी में प्रेजेंट तो रहेंगे पर इनका कोई ऐसा बॉडी में कोई यूज़ नहीं है या कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, फंक्शनल नहीं है। इन्हें हिंदी में वेस्टिजियल ऑर्गन को अवशेष अंग भी कहेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है चार्ल्स डार्विन रोट द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो जो चार्ल्स डार्विन थे उन्होंने बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कभी पूछ देगा कि चार्ल्स डार्विन की बुक का नाम क्या है या ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी, तो हम कहेंगे चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, मिलर परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड वेयर द बेसिस ऑफ लाइफ। तो जो मिलर थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूफ किया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वे ही लाइफ का बेसिस हैं या वही जीवन का आधार है। ठीक है, आगे कह रहे हैं द फर्स्ट लाइफ ऑन अर्थ केम इन वाटर एंड एविडेंस इंडिकेट दैट लाइफ ओरिजिनेट इन प्रोटोजोइक एरा। तो फर्स्ट लाइफ जो थी अर्थ में वो कहाँ ओरिजिनेट हुई थी, वाटर में, और इसका एविडेंस ये इंडिकेट करते हैं कि जो लाइफ ओरिजिनेट हुई थी वो कौन से एरा में हुई थी, प्रोटोजोइक एरा में। ठीक है, आगे कह रहा है फिशेस डोमिनेटेड इन पैलेजोइक एरा। तो जो फिशेस थी वो किस पीरियड में डोमिनेंट थी या किस एरा में डोमिनेंट थी, तो हम कहेंगे पैलेजोइक एरा में। ठीक है, आगे कह रहा है लुईस पाश्चर इज रिलेटेड विद द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। जो लुईस पाश्चर थे उन वही रिलेटेड थे किससे, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन से, या थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन किसने दी थी, लुईस पाश्चर ने, एक ही बात है। ठीक है, आगे कह रहा है अकॉर्डिंग टू स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी द सीक्वेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ मे बी कंसिडर्ड एज। तो अगर हम स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को देखेंगे, ठीक है, तो अगर हम इस थ्योरी को देखेंगे तो ये क्या कहती है, जो लाइफ ओरिजिनेशन हुआ था या लाइफ का ओरिजिन हुआ था वो किस कैसे सीक्वेंस में हुआ था, एमिनो एसिड, फिर प्रोटीन, प्रोटीन से फिर क्लोरोफिल। ठीक है, मिलर यूज्ड इन हिज एक्सपेरिमेंट अमोनिया NH3, मीथेन CH4, हाइड्रोजन यानी H2 एंड वाटर वेपर। जो मिलर थे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन और वाटर वेपर को यूज़ किया था। ठीक है, आगे कह रहा है द प्रिमिटिव इन्वायरमेंट वॉज रिड्यूसिंग बिकॉज इट कंटेंट मोर हाइड्रोजन। तो ये कह रहा है जो प्रिमिटिव इन्वायरमेंट था वो इसलिए रिड्यूस हो गया था क्योंकि क्या था, उसमें बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन थी या वो बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन कंटेन करता था। ठीक है, आगे कह रहा है म्यूटेशन टुगेदर विद नेचुरल सिलेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। देखो, अगर हम कहेंगे कि न्यू स्पीसीज का ओरिजिनेशन कैसे होता है, उनका ओरिजिन कैसे होता है, तो हम क्या कहेंगे, म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन के साथ। ठीक है, म्यूटेशन क्या हुआ, जैसे जीन की कोई भी सीक्वेंस है उसमें कोई भी चेंज आ जाएगा तो हम उसे म्यूटेशन कहेंगे, और नेचुरल सिलेक्शन तो नेचुरली जो भी सिलेक्ट होगा या जो भी अच्छा होगा उसी का नेचर क्या करेगा, उसी को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों के कारण ही क्या होता है, जो न्यू स्पीसीज है उनका ओरिजिन होता है। आगे कह रहा है मिलर सिंथेसाइज अमीनो एसिड। जो मिलर थे उन्होंने अमीनो एसिड को सिंथेसाइज किया था। ओरिजिन ऑफ लाइफ एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल इवोल्यूशन वॉज एक्सप्लेन्ड बाई ओपेरिन। तो जो ओरिजिन था लाइफ का, ओरिजिन ऑफ लाइफ एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल
इवोल्यूशन, जो लाइफ का ओरिजिनेशन था केमिकल इवोल्यूशन के थ्रू कैसे हुआ, ये किसने एक्सप्लेन किया था? ओपरिन ने, ठीक है। आगे कह रहा है, डार्विन फिंचेस रेफर टू अ टाइप ऑफ बर्ड्स प्रेजेंट ऑन गैला पेगस आइसलैंड। तो डार्विन फिंचेस उन बर्ड्स को कहा जाता है, मतलब उनके टाइप को कहा जाता है जो कि कहाँ प्रेजेंट है, गैलापागोस आइसलैंड में प्रेजेंट है, ठीक है। आगे कह रहा है, अगस्त विजमैन एंड टी एच मॉर्गन आर रिगार्डेड एज नियो लैमार्किस्ट। तो जो अगस्त विजमैन है और टी एच मॉर्गन है, इन दोनों को नियो लैमार्किस्ट कहा जाता है, क्योंकि इनकी थ्योरी क्या थी, इन्होंने लैमार्क की जो थ्योरी थी उसको थोड़ा नया रूप दिया था, ठीक है, तब इन्हें नियो लैमार्किस्ट कहेंगे। देयर आर अबाउट 8 वेस्टिजियल ऑर्गन्स इन ह्यूमन। तो जो ह्यूमन है उनमें वेस्टिजियल ऑर्गन का नंबर क्या है, तो हम कहेंगे 8। अब वो कौन कौन से हैं, ठीक है, तो वेस्टिजियल ऑर्गन है जो ह्यूमन में है वो 8 हैं। कौन कौन से हैं? मसल्स ऑफ ईयर, जिसे हम कहते हैं ऑरिक्यूलर मसल, फिर है विजडम टीथ, फिर है वर्मी फॉर अपेंडिक्स, फिर है द कॉकिक्स जिसे हम टेल भी कहते हैं, फिर है बॉडी हेयर, ठीक है। इन आई, अगर आई में देखें तो निक्टिटेटिक मेम्ब्रेन होती है, वो भी क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। साइनस इन चिकबोन, चिकबोन में जो साइनस होती है हड्डी या बोन, उसे भी हम क्या कहेंगे, वेस्टिजियल ऑर्गन कहेंगे। और टॉन्सिल, तो ये सब के सब क्या हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन जो कि ह्यूमन में प्रेजेंट है, ठीक है। आगे कह रहा है, कुवियर इज फाउंडर ऑफ पैलेंटोलॉजी। जो पैलेंटोलॉजी है उसके फाउंडर कौन थे? कुवियर थे, ठीक है। आगे कह रहा है, बायोलॉजिकल नेम ऑफ जावा एप मैन इज होमो इरेक्टस इरेक्टस। तो जो जावा एप मैन है उसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो क्या है? होमो इरेक्टस इरेक्टस, ठीक है। आगे कह रहा है, नेम ऑफ पाई इज एसोसिएटेड विद पैकिंग मैन। तो जो नेम है पाई वो किससे एसोसिएटेड है? पैकिंग मैन से एसोसिएटेड है, ठीक है। आगे कह रहा है, जावा एप मैन फर्स्ट यूज्ड फायर। तो अगर हम कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि जो फायर है सबसे पहले उसको यूज किसने किया था, तो हम कहेंगे जावा एप मैन ने, ठीक है। आगे कह रहा है, स्पीच सेंटर फर्स्ट डेवलप्ड इन नियंडरथल मैन। तो जो स्पीच सेंटर है, ठीक है, वो फर्स्ट किस में डेवलप हुआ था? नियंडरथल मैन में डेवलप हुआ था, ठीक है। आगे कह रहा है, द मोस्ट रिसेंट एंड डायरेक्ट प्री हिस्टोरिकल एंसेस्टर ऑफ प्रेजेंट मैन इज क्रो मैग्नन। तो जो अगर हम आजकल का मॉडर्न मैन है या प्रेजेंट मैन है उसका अगर हम एंसेस्टर कहेंगे, जो कि क्या है, प्री हिस्टोरिकली भी है और रिसेंट भी है, वो कौन कहेंगे? क्रो मैग्नन को कहेंगे, ठीक है। आगे कह रहे हैं, जावा एप मैन वॉज डिस्कवर्ड बाई ड्यूबिस। तो ड्यूबिस थे, उन्होंने जावा एप मैन को डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। आगे कह रहे हैं, नियंडरथल मैन पजेस अ क्रेनियल कैपेसिटी ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ मॉडर्न मैन। तो जो मॉडर्न मैन है उसके बराबर अगर हम किसी की क्रेनियल कैपेसिटी कहेंगे तो किसकी होगी? वो नियंडरथल मैन की, ठीक है। आगे कह रहे हैं, पेलियोलिथिक इज द ओल्ड एज ऑफ ह्यूमन प्री हिस्ट्री। अगर हम ह्यूमन की जो प्री हिस्ट्री है उसे क्या कहेंगे? जो पेलियोलिथिक क्या है? ओल्ड एज ऑफ ह्यूमन प्री हिस्ट्री। जो ह्यूमन की ओल्ड एज ऑफ ह्यूमन की प्री हिस्ट्री है या पहले की उसकी जो हिस्ट्री है वो सब किस में है? पेलियोलिथिक में है, ठीक है। फर्स्ट एविडेंस ऑफ सेरेमोनियल बरियल ऑफ डेड हैव बीन फाउंड विद फॉसिल्स ऑफ नियंडरथल। देखो, जो नियंडरथल मैन था उसको ये एविडेंस, फर्स्ट एविडेंस उसी में ये मिला कि वो क्या करता था, जो भी उसके उसमें मर जाते थे, यानी उनको क्या करता था, सेरेमोनियल बरियल ऑफ डेड, जो मर जाते थे उनको क्या करता था, औपचारिक रूप से उनको दफन किया जाता था, जैसे कि अभी भी किया जाता है कितने धर्मों में, कितने रिलीजन में, ठीक है। तो ये फर्स्ट कहाँ देखा गया था? नियंडरथल मैन में देखा गया था, ठीक है। आगे कह रहा है, नेम गिवन टू द फॉसिल होमिनेट ऑफ शिवालिक हिल्स इन इंडिया इज रामापिथेकस। तो ये कह रहा है, जो नेम दिया गया था उस फॉसिल होमिनेट को जो कि शिवालिक हिल से मिला था, उसे दिया गया था इंडिया के
शिवालिक हिल से मिला था उसे रामा पिथिकस नाम दिया गया था। ठीक है, इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट मोस्ट ऑफ द फॉसिल ऑफ प्रिमिटिव मैन हैज़ बीन एक्सकेवेटेड। तो ये कह रहा है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसमें क्या देखे गए थे, जो प्रिमिटिव मैन के बहुत ज़्यादा जो फॉसिल थे वो वहाँ से खुदाई के द्वारा निकाले गए थे। ठीक है, आगे कह रहा है एंसिस्टर ऑफ मैन हु फर्स्ट स्टूड इरेक्ट वॉज ऑस्ट्रोपिथिकस। अब पूछ देगा कि जो ह्यूमन का कौन सा ऐसा एंसिस्टर था मैन का या ह्यूमन का जो कि फर्स्ट क्या कर रहा सीधे खड़ा हो सकता था, तो वो कौन था, ऑस्ट्रेलोपिथिकस था। ठीक है, इरेक्ट हुआ जो सबसे पहले। आगे कह रहा है गोरिल्ला इज द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ मॉडर्न मैन। जो गोरिल्ला है वो सबसे ज़्यादा क्लोज रिलेटिव है किसका, मॉडर्न मैन का। ठीक है, आगे कह रहा है कलर्ड रॉक पेंटिंग वेयर प्रीसिम्बली फर्स्ट मेड बाय क्रोमैग्नन। तो जो कलर्ड रॉक में पेंटिंग बनाई गई थी वो फर्स्ट किसने बनाई थी, क्रोमैग्नन ने बनाई थी। ठीक है, पैकिंग मैन इज नोन एज सिनेथोरोपस। ठीक है, जो पैकिंग मैन था उसको हम सिनेथ्रोपस भी कहते थे। ठीक है, आगे कह रहा है नियो डार्विनिज्म और सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज बेस्ड अपॉन वेरिएशन अपेयर इन द स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यू टू हैपजर्ड म्यूटेशन। तो ये कह रहा है जो नियो डार्विनिज्म है, डार्विन की जो नया करके जो थ्योरी दी गई उसे नियो डार्विनिज्म कह दिया गया। ठीक है, जो नियो डार्विनिज्म है और सिंथेटिक थ्योरी है इवोल्यूशन की वो किस पे बेस्ड है, अपॉन वेरिएशंस अपीयर्ड इन द स्ट्रक्चर। किस पे, जो भी वेरिएशन आए स्ट्रक्चर में और फिजियोलॉजी में किसी भी ऑर्गेनिज्म की, अगर कोई फिजियोलॉजी या स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज आए तो वही क्या था, बेसिस था इन थ्योरी का। ठीक है, और ये क्यों आए, ड्यू टू हैपजर्ड म्यूटेशन। जैसे जो म्यूटेशन हुआ वो किस टाइप का था, हैपजर्ड था, मतलब उसका कोई पता नहीं था कि ये ऐसे होगा म्यूटेशन, एक हैपजर्ड टाइप का म्यूटेशन था। ठीक है, जिसका कुछ कहा नहीं आ सकता है, उस टाइप का म्यूटेशन हुआ तो उसी के कारण पे, उसी बेसिस पे थ्योरी बेस्ड है। ठीक है, आगे कह रहा है सिंपैथेटिक स्पेशिएशन इज ऑल्सो नोन एज आइसोलेशन। ठीक है, तो ये सिंपैथेटिक जो स्पेशिएशन है वो क्या है। ठीक है, तो ये कह रहा है सिंपैथेटिक स्पेशिएशन, तो ये क्या है, तो सिंपैथेटिक एसोसिएशन है इज़ द इवोल्यूशन ऑफ अ न्यू स्पीसीज फ्रॉम अ सर्वाइविंग एंसेस्टर स्पीसीज विद बोथ कंटिन्यू टू इनहेबिट द सेम जियोग्राफिकल रीजन। तो कह रहा है जो सिंपैथेटिक स्पेशिएशन है वो क्या है, इवोल्यूशन है एक न्यू स्पीसीज का फ्रॉम अ सर्वाइविंग एंसेस्टर। क्या है, जो उसका एंसेस्टर है वो स्टिल सर्वाइव कर रहा है और उसी से एक न्यू स्पीसीज का क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ है। और ये जो दोनों ही स्पीसीज हैं बोथ कंटिन्यू टू इनहेबिट द सेम जियोग्राफिकल रीजन, और जो ये स्पीसीज हैं वो एक ही जियोग्राफिकल रीजन में रहते हैं। मतलब ऐसा एंसेस्टर जो अभी भी स्टिल सर्वाइव कर रहा है उससे न्यू स्पीसीज का और इवोल्यूशन होना, और जबकि क्या है वो दोनों एक ही जियोग्राफिकल रीजन में रह रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे, सिंपैथेटिक स्पेशिएशन। ठीक है, और आइसोलेशन क्या है, आइसोलेशन मीन्स दैट ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज आर सेपरेटेड। अब क्या होगा, एक ही जो स्पीसीज के हैं, सेम स्पीसीज के हैं, वो क्या हो गया, ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से सेपरेट हो गए, तो इसे कहेंगे हम आइसोलेशन। ठीक है, तो ये कह रहा है सिंपैथेटिक स्पेशिएशन इज ऑल्सो नोन एज आइसोलेशन। तो इसलिए इस ये कह रहा है कि जो सिंपैथेटिक स्पेशिएशन है वो भी क्या है, एक टाइप का आइसोलेशन ही है, क्योंकि क्या है, जो साथ साथ की स्पीसीज है, एक ही ग्रुप की स्पीसीज है, वो क्या हो जा रही हैं, अलग अलग हो जा रही हैं, तो ये सिंपैथेटिक स्पेशिएशन भी क्या हो गया, एक टाइप का आइसोलेशन हो गया। ठीक है, आगे कह रहा है सिबलिंग स्पीसीज आर ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल रेसेस। जो सिबलिंग स्पीसीज हैं, ठीक है, सिबलिंग मतलब ऐसे भाई बहन होते हैं वैसे ही, तो कह रहे हैं सिबलिंग स्पीसीज आर ऑल्सो नोन एज बायोलॉजिकल रेसेस। तो जो सिबलिंग स्पीसीज होती हैं वो भी क्या करती हैं, बायोलॉजिकल जो रेस होती है उसमें वो भी पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं डीएनए इज अ स्टोर हाउस ऑफ पैटर्न फॉर ऑल इन ऑल हेरिटेबल ट्रेड। तो जो कह रहा है डीएनए है वो क्या है, स्टोर हाउस है, जिसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न होते हैं जो कि हेरिडिटी के थ्रू या हेरिडिटिकल ट्रेड से हमें
मिलते हैं, ठीक है। आगे कह रहे हैं म्यूटेशंस इंट्रोड्यूस वेरिएशन इन द पैटर्न। जो म्यूटेशन होता है वो क्या करता है, वेरिएशन को इंट्रोड्यूस कर देता है। कोई भी पैटर्न है अगर उसमें म्यूटेशन हो जाएगा तो वहाँ पे क्या जाएंगे, वेरिएशन आ जाएंगे। मतलब क्या हो जाएंगे, वो जो उसका मेन सेट था उससे अलग हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है सिक्स एलिमेंट्स CHNOPS यानी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर आर कॉमनली फाउंड इन लिविंग थिंग्स। तो ये सब क्या है, कॉमनली लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं ये सिक्स एलिमेंट, ठीक है। इफ द हीट इज लॉस्ट फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू सराउंडिंग द सिस्टम इज सेड टू बी लॉस्ट एंथैल्पी। अगर क्या है, कह रहा है अगर हीट लॉस होती है किसी भी सिस्टम से, ठीक है, फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू सराउंडिंग, अगर उसके जो ऑर्गेनिज्म है उससे उसके सराउंडिंग में अगर हीट का लॉस होता है तो इसे हम क्या कहेंगे, लॉस ऑफ एंथैल्पी कहेंगे, ठीक है। तो एंथैल्पी है उसका लॉस हो रहा है। लिविंग बींग्स डिफर फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स बिकॉज ऑफ हैविंग कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो लिविंग है, जीवित का जो जीवित नहीं है उन चीज़ों से, नॉन लिविंग से हम कैसे उनको डिफर करेंगे, क्योंकि क्या है, इनका क्या होता है, कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उनका जो ऑर्गेनाइजेशन होगा वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। आगे कह रहा है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आर नेचर्स प्राइम बैलेंसिंग मैकेनिज्म। तो कह रहा है जो फोटोसिंथेसिस है यानी प्रकाश संश्लेषण है और वो और रेस्पिरेशन यानी श्वसन है, ये दोनों ही क्या है, वो बायोलॉजिकल प्रोसेस हैं जो कि नेचर में एक बहुत अहम भूमिका निभाती हैं नेचर में बैलेंस करने में, बैलेंसिंग मैकेनिज्म में, ठीक है। आगे कह रहा है एंगस्ट्रोम इज द स्मॉलेस्ट मेजरिंग यूनिट ऑफ साइटोलॉजी। तो जो एंगस्ट्रोम है वो क्या है, सबसे ज़्यादा छोटी मेजरिंग यूनिट है साइटोलॉजी में, ठीक है। साइटोलॉजी आगे सेल से रिलेटेड जो भी स्टडी करेंगे हम वो साइटोलॉजी में आएगी। आगे कह रहा है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस आर मेजर मिनरल्स इन एनिमल बॉडी। तो जो कैल्शियम और फॉस्फोरस हैं वो क्या है, मेजर मिनरल हैं एनिमल बॉडी में, ठीक है। आगे कह रहा है आरएनए इज कैपेबल ऑफ सेल्फ कैटलाइजिंग ऑटो कैटलिस्ट। तो ये कह रहा है जो आरएनए है वो कैपेबल होता है सेल्फ कैटालिसिस करने में, यानी सेल्फ कैटालिसिस क्या हो गया, कैटालिसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट द एडिशन ऑफ स्पेशल कैटलिस्ट। अगर क्या हो रहा है, अगर आपकी जो केमिकल रिएक्शन है उसमें बिना किसी कैटलिस्ट के ही खुद ब खुद क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, मतलब जो सेल्फ कैटलिस्ट है वो क्या है, तो सेल्फ कैटालिसिस क्या है, कैटालिसिस ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कैटालिसिस हो रही है किसकी, ऑफ केमिकल रिएक्शन विदाउट द एडिशन ऑफ स्पेशल कैटलिस्ट। तो जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो बिना किसी कैटलिस्ट के ही हो रही है या बिना किसी उत्प्रेरक की हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सेल्फ कैटालिसिस। जैसे कोई रिएक्शंस होती है उनको अगर हम अच्छे से प्रोसेस कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमें उसमें कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है, जिसे उत्प्रेरक कहते हैं, वो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन को फास्टर कर देता है, ठीक है। तो जब क्या हो, बिना किसी कैटलिस्ट की ज़रूरत के ही क्या हो रहा है, खुद ब खुद कैटालिसिस हो रहा है, तो उसे हम कहेंगे सेल्फ कैटालिसिस, ठीक है। तो ये कह रहा है जो आरएनए होता है वो क्या कर सकता है, सेल्फ कैटालिसिस कर सकता है, इसे हम ऑटो कैटालिसिस भी कहेंगे, ठीक है। आगे कह रहा है प्रोटेक्टिव कलरेशन इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो देखो जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है, जैसे जेब्रा है उसमें क्या होती है, लाइनिंग होती हैं वाइट और ब्लैक कलर की, ठीक है। तो और जैसे गिरगिट होता है वो क्या कर सकता है, अपना कलर खुद चेंज कर सकता है, तो ये सब क्या है, मैं प्रोटेक्टिव कलरेशन है, तो वो क्या करेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं प्रीडेटर से। तो ये क्या है, टाइप का उनका प्रोटेक्टिव कर रहा है उनको, जो उनका कलर है यानी कलरेशन उनको हेल्प कर रहा है प्रोटेक्ट करने में, तो ये भी क्या है, एक नेचुरल सिलेक्शन का ही एग्जांपल है, ठीक है। आगे कह रहे हैं
द रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस आर इनहेरिटेबल वेरिएशन. तो कह रहा है जो रॉ मटेरियल है इवोल्यूशनरी प्रोसेस का वो क्या है, इनहेरिटेबल वेरिएशन है, जो हेरिट नहीं हो पा रही हैं वो वेरिएशन क्या है, यही रॉ मटेरियल है इवोल्यूशन का. ठीक है, आगे कह रहा है कंटिन्यूस वेरिएशंस आर डिटर्मिनेंट वेरिएशन. तो ये कह रहा है जो कंटिन्यूसली जो वेरिएशन हो रहे हैं वो ही क्या हो रहे हैं, आर डिटर्मिनेंट वेरिएशन. तो डिटर्मिनेंट वेरिएशन क्या हुआ, वो वेरिएशन जो क्या हो, डेफिनाइट डायरेक्शन में हो, यानी जिनका आपको पता हो. ठीक है, तो वो क्या करेंगे, कंटिन्यूस वेरिएशन को आर डिटर्मिनेंट वेरिएशन. तो ये कह रहा है कि कंटिन्यूस जो वेरिएशन है वही क्या होते हैं, डिटर्मिनेंट वेरिएशन होते हैं. हम उनका पता लगा सकते हैं कि इनकी डायरेक्शन क्या हो सकती है. ठीक है, आगे कह रहा है द पेन जीन्स ऑफ एनिमल्स आर एक्यूमुलेटेड इन गैमेट्स. तो जो पेन जीन्स होते हैं एनिमल्स में वो कहाँ एक्यूमुलेट रहते हैं, इनके जो मतलब पेन जीन्स मतलब एक टाइप के जीन्स हैं, और ये जीन्स जो होते हैं एक्यूमुलेट कहाँ पे होंगे, ये गैमेट्स पे एक्यूमुलेट रहते हैं. ये थ्योरी डार्विन ने दी थी. ठीक है, पेनजेनेसिस की थ्योरी कहते हैं इसको. आगे कह रहा है होमोलोगस स्ट्रक्चर हैव सिमिलर ओरिजिन बट डिसिमिलर फंक्शन. तो जो होमो मतलब क्या होगा, सेम, हेट्रो मतलब डिफर. तो कह रहा है होमोलोगस मतलब क्या होगा, उनका जो स्ट्रक्चर है वो तो सिमिलर होगा बट उनके जो फंक्शन होंगे वो क्या होंगे, डिसिमिलर होंगे, अलग अलग टाइप के फंक्शन होंगे. ठीक है, आगे कह रहा है डॉक्ट्राइन ऑफ इवोल्यूशन इज कंसर्न्ड विद डिसेंट ऑफ मॉडिफिकेशन. ठीक है, तो ये कह रहा है जो डॉक्ट्राइन ऑफ इवोल्यूशन है, मतलब इवोल्यूशन में हम जो मेन चीज मानते हैं उसे ही हम डॉक्ट्राइन ऑफ इवोल्यूशन कहेंगे. तो ये किस पे कंसर्न रहता है, विद डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, जो भी मॉडिफिकेशन आएंगे उस पे ये कंसर्न रहेगा. ठीक है, इवानोवस्की डिस्कवर्ड बैक्टीरियोफाज वायरस. जो इवानोवस्की थे उन्होंने ही बैक्टीरियोफाज वायरस को डिस्कवर्ड किया था. ठीक है, वायरियन इज कम्प्लीट मैच्योर वायरस पार्टिकल. तो जो वायरियन है वो क्या है, कम्प्लीट मैच्योर वायरस का पार्टिकल है. ठीक है, फर्स्ट मैमल अपेयर्ड इन ट्राइएसिक पीरियड. तो जो फर्स्ट मैमल था वो कब अपेयर्ड हुआ है, किस पीरियड में पाया गया सबसे पहले, तो हम कहेंगे ट्राइएसिक पीरियड में. ठीक है, आगे अभी कह रहा है अर्लीस्ट रेप्टाइल्स इवॉल्व इन कार्बोनिफेरस पीरियड. जो जो अर्लीस्ट रेप्टाइल था वो कब इवॉल्व हुआ था, कार्बोनिफेरस पीरियड में इवॉल्व हुआ था. ठीक है, मेटाबॉलिक एंजाइम्स आर एब्सेंट इन वायरसेस. जो मेटाबॉलिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, वो वायरसेस में एब्सेंट रहते हैं. ठीक है, आगे कह रहा है स्टैनले फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड अ वायरस इन प्योर फॉर्म एंड प्रिपेयर्ड इट्स क्रिस्टल. तो जो स्टैनले थे उन्होंने क्या करा था, फर्स्ट एक जो वायरस है उसको एक्सट्रैक्ट किया था और उसका एक क्रिस्टल बनाया था. ठीक है, आगे कह रहा है द जीनोम ऑफ एड्स एक्वायर्ड. एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम. तो कह रहा है जीनोम है, द जीनोम ऑफ एड्स वायरस कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए फिलामेंट. तो जो एड्स होगा उसका जो वायरस होगा वो क्या कंसिस्ट करेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा. ठीक है, डबल ना होकर उसमें क्या होगा, आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड होगा या फिलामेंट होगा, जिससे इस जो एड्स है उसके वायरस को हम रेट्रो वायरस भी कहते हैं. ठीक है, आगे कह रहा है एनालोगस ऑर्गन्स गिव एविडेंस ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. देखो जो एनालोगस ऑर्गन है, अभी हमने होमोलोगस की बात करी थी, होमोलोगस में हमने क्या पढ़ा था, होमोलोगस क्या होंगे, दिखने में तो सिमिलर होंगे बट उनके फंक्शन क्या होंगे, वो अलग अलग टाइप के फंक्शन होंगे. ठीक है, तो होमोलोगस क्या करेगा, डाइवर्जेंट टाइप के इवोल्यूशन को शो करेगा. मतलब क्या होगा, अलग अलग एक ही टाइप के ऑर्गन है बट क्या होगा, उनमें अलग अलग टाइप के फंक्शन होंगे. तो ये डाइवर्जेंट यानी एक इवोल्यूशन को डाइवर्जेंट कर रहा है, बड़ा रूप दे रहा है. जबकि एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं, दिखने में तो अलग अलग होंगे बट काम क्या होगा, उनका सेम होगा. उन ऑर्गन्स को हम एनालॉगस ऑर्गन कहेंगे. तो ये यहाँ पे क्या है, काम तो उनका सेम ही है, तो ये क्या कर रहा है, कन्वर्जेंट यानी एक छोटे बिंदु में क्या कर रहा है, उन इवोल्यूशन को सिकोड़ रहा है. तो यहाँ पे क्या है, इवोल्यूशन का हम कहेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. ठीक है, आगे कह रहा है
अडेप्टिव कन्वर्जेंस यानी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज फाउंड इन सर्टेन क्लोज रिलेटेड स्पीसीज ऑल्सो एंड इन सच केसेस इट इज कॉल्ड पैरेलल इवोल्यूशन और पैरेललिज्म। ठीक है, तो ये कह रहा है जो अडेप्टिव कन्वर्जेंस है यानी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है जो, वो क्या कर रहा है, फाउंड होगा सम क्लोज रिलेटेड स्पीसीज, जो क्लोज रिलेटेड स्पीसीज होंगी उनमें हम क्या देख सकते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन देख सकते हैं। तो इस टाइप के जो हम इवोल्यूशन को देखेंगे जब क्या है सेम स्पीसीज या क्लोज रिलेटेड स्पीसीज में क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट टाइप का इवोल्यूशन दिख रहा है, पाया जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, पैरेलल इवोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, या पैरेललिज्म कहेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है फिन्स ऑफ सील, विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड फोर आर्म्स ऑफ मैन आर होमोलोगस ऑर्गन। देखो होमो मतलब क्या है, सेम, तो दिखने में तो ये सब क्या होंगे, सिमिलर होंगे स्ट्रक्चर, बट फंक्शन अलग अलग होंगे। अब देखो फिन है, सील का फिन है वो अलग काम करेगा, विंग ऑफ बर्ड है वो उड़ने का काम करेंगे, वो तैरने के काम करेगा, वो उड़ने का काम करेगा, और फोर आर्म ह्यूमन का वो अपना अलग काम करेगा। तो ये सब क्या है, होमोलोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, आगे कह रहा है विंग्स ऑफ बैट, लोकस्ट यानी जिसे ग्रास हॉपर भी कहते हैं, एंड पिजन आर एनालोगस ऑर्गन। देखो है तो डिफरेंट, बट क्या है, काम सबका क्या है, उड़ने का ही काम है, तो ये सब क्या होंगे, एनालोगस ऑर्गन हो गए। ठीक है, आगे कह रहा है रिकैपुलेशन थ्योरी स्टेट दैट, जो रिकैपुलेशन थ्योरी थी वो क्या कहती है, दैट एनिमल्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, जब क्या होता है जो एनिमल्स हैं उनका एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट का टाइम होता है, रिपीट देयर इवोल्यूशनरी एंड रेशियल हिस्ट्री, तो अपनी जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है या उनकी जो रेशियल हिस्ट्री है उसको ये क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, तभी इसके क्या है, रिकैपिटेशन थ्योरी। ठीक है, आगे कह रहे हैं द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज म्यूटेशन। तो देखो जो मेन सोर्स है इवोल्यूशन का, अगर सभी की थ्योरी के देखेंगे तो, पर यहाँ पे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की बात हो रही है तो उसका भी इन्होंने सोर्स क्या माना है, म्यूटेशन ही माना है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था वहाँ भी इसका सोर्स क्या माना है, इवोल्यूशन का म्यूटेशन ही माना है। तो म्यूटेशन क्या है, एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, जिसको हमें समझना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये कह रहा है वीकनेस ऑफ डार्विन्स थ्योरी वाज हिज फेलियर टू गिव अ सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन फॉर वेरिएशन। तो जो डार्विन की थ्योरी थी वैसे तो काफ़ी अच्छी मानी गई, पर जो उसकी वीकनेस थी वो क्या थी, कि वो ये बता नहीं कर पाई, ये यहाँ पे फेलियर हो गया कि उसने एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि वेरिएशन कैसे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे फेल होगी, इस कारण क्या होगी, इस थ्योरी की ये वीकनेस हो गई। ठीक है, वायरसेस आर स्ट्रिक्टली पैरासाइट्स, जो वायरसेस होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रिक्टली पैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये कोई और बिहेवियर शो करेंगे, जब भी अगर हम देखेंगे तो ये क्या करेंगे, किसी के बॉडी के ऊपर या किसी के बॉडी के अंदर रह के वहीं से फूड इनटेक करेंगे। ठीक है, तो वायरस क्या होंगे, पैरासाइट्स हो गए। आगे कह रहे हैं द वायरस बैक्टीरियोफेज इज डिस्कवर्ड बाई ट्विट, तो जो वायरस बैक्टीरियोफेज था उसको डिस्कवर्ड किसने किया था, ट्विट ने। वायरसेस कंटेन प्रोटीन प्लस डीएनए और आरएनए, तो जो वायरसेस होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, या तो प्रोटीन प्लस डीएनए कंटेन करेंगे या फिर आरएनए कंटेन करेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है द बेस्ट सपोर्टिंग फैक्ट दैट वायरसेस आर लिविंग, तो जो इज दैट वायरसेस डुप्लीकेट देमसेल्फ। देखो नॉन लिविंग और लिविंग के बारे में हमने पढ़ा होगा, वैसे तो वायरसेस को क्या कहा था, नॉन लिविंग और लिविंग के बीच की कड़ी कहा जाता है, बट ये इनको फैक्ट कि ये लिविंग है, इस फैक्ट को अगर हम करें कि कैसे सपोर्ट करेंगे, तो ये एक क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये इंपॉर्टेंट इनका करेक्टर है कि वायरसेस डुप्लीकेट देमसेल्फ, जो वायरसेस होते हैं वो खुद ब खुद ही अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है द वायरसेस आर ऑल्सो नोन एज फ्री जीन, तो वायरसेस को क्या कहा जाता है, फ्री जीन भी कहा जाता है। मोस्ट मॉडर्न ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिक डॉग्स हैव बीन इवॉल्व्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन, तो ये जो कह रहा है जो मॉडर्न जो ब्रीड हैं डॉग्स की, जो कि डोमेस्टिक डॉग्स हैं, घर में घरेलू डॉग्स हैं, उनको कैसे इवॉल्व किया गया, सेक्सुअल सिलेक्शन के थ्रू। ठीक है,
आगे कह रहे हैं, कोसर्वेट्स आर सेल लाइक स्ट्रक्चर बट नॉट ट्रू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। तो जो कोसर्वेट्स हैं वो क्या है, सेल लाइक स्ट्रक्चर है पर क्या नहीं है, ट्रू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल नहीं है। ठीक है, ट्रूली उनकी जो सेल है उसका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। लास्ट पॉइंट है इसमें, जावा एप मैन स्टूड इरेक्ट फर्स्ट। तो जो जावा एप मैन था वो क्या था, फर्स्ट इरेक्ट हुआ था। ठीक है, ये हो गया आज के लिए, कल को हम इससे आगे को पढ़ेंगे। ठीक है।